लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम दादे, तेरी वजह से मैंने 20 साल जेल की कोठरी में काटे हैं, अपनी आधी जिंदगी। तुझसे कहा था ना, जेल से छूटने के बाद तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। आज वो दिन आ गया है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे को? छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो तूफान से कहना कि कल सुबह रेलवे यार्ड में नहीं हत्था आ जाए, नहीं तो इस बच्चे की जान ले लूंगा। चल। बगैर तूफान के तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं आ गया हूं। खाली हाथ बच्चे को छोड़ दे। बचपने की बातें करते हो, ना बच्चा जाएगा और ना तुम। लेकिन तुमने तो कहा था कि कहां है वो जादू जिससे हवा चलती थी, धूल उड़ती थी, आसमान का रंग बदलता था। लगता है मौत के डर से वो भी तुझे छोड़ के चलेगा। बांध दे इसे जीरो से और लगा दो ताला। आज से मैं जिम्मेदारी से मुक्त हुआ, अब आप ये कुर्सी संभालिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ओह मिस्टर विश्वनाथ, यू कोऑपरेटेड मी वेरी नाइसली। हेलो डीसीपी शर्मा। शर्मा साहब, आपका फोन। यस प्लीज। सुना है चोरी का माल पकड़वाने पर इनाम मिलता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना। शैतान से 20 साल पहले का चुराया हुआ सोना लेकर माल गाड़ी से बीकानेर रेलवे लाइन से उधमपुर हवाई अड्डे जा रहा है। और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया सरदार।
जबानी काम तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आज तुमसे इस काम का मकसद पूछूं, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि वो दिन आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। आज तुम ऐसी भी नहीं, सिर्फ शर्मा हो, शर्मा। तुम्हारे जिस्म से पुलिस की वर्दी नहीं, सांप की कछली उठी है। बेटे, मैं तेरे पांव पड़ता हूं, मेरा पैर छोड़ दे बेटे, मेरा पैर छोड़ दे। याद है बचपन में मैं तेरे इसी पांव पे पड़ा था, गिड़गिड़ाया था, इंसाफ की भीख मांगी थी, बदले में तूने मुझे ठोकर मारकर फेंक दिया था, याद है? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। इस स्लेट पे मिटे हुए लफ्जों को लिख। आज इसे मिटाने के लिए कोई बेरहम पानी की बूंदे नहीं आएंगी, क्योंकि आज तेरे सर पे तपता सूरज है और सामने तेज रफ्तार से आती हुई तेरी मौत। रुको, रुको। सामने लाइन पर कोई आदमी है, गाड़ी रुको। नहीं, चल साले पे। एसीपी शर्मा, डाकू शैतान सिंह, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तुम्हारे बाप का कातिल शैतान सिंह है। कहाँ है वो? इस ट्रेन से। ये यहां तक कैसे पहुंच गया? ले जा गाड़ी।
मेरा भाई कहाँ है? भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तेरा भाई था जिसे मैं रेल के डब्बे में बंद करके आया हूँ। लगता है सारे खानदान की मौत मेरे हाथों लिखी है। जिसे पवन पुत्र हनुमान का वरदान हो, हाथ में उसका दिया हुआ धनुष बाण हो, नाम तूफान हो और सामने तुझ जैसा शैतान हो, तो सोच उसका अंजाम क्या हो। हाथ में हथियार लेकर निहत्थे से अंजाम पूछते हो? सारा सोना मेरे बाप की जान और गई हुई इज्जत वापस ला सकता है? जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। सारी जिंदगी मेरे सीने में एक ही बात सुलगती रही कि मेरे बाप का कातिल कौन है, और तू कहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। देख, मैं कहता हूं मुझे ऊपर खींच ले, वरना मैं तो मरूंगा, तुझे साथ में लेके मरूंगा। नहीं, आज तो तू अकेला ही मरेगा। हे बाबा, तू आज मुझे कामयाब कर दे। मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकल कर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। जीपी साहब, यह वो सोना है जिसकी चोरी का झूठा इल्जाम हमारे पिताजी इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पर लगाया गया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम इज्जत से लिखा जाएगा।